नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तो लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार की ये आखिरी कैबिनेट बैठक थी और आखिरी कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें एक फैसला विश्वविद्यालयों से जुड़ा मामला था, जिसमें विश्वविद्यालय टीचरों की 13 पॉइंट्स रोस्टर प्रणाली खत्म कर दी गई। कई दिनों से विश्वविद्यालय शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसे बाद में सरकार ने मान लिया और 13 पॉइंट्स रोस्टर को खत्म करते हुए पुरानी व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है ताकि रिजर्व कैटेगरी के SC ST और OBC को विश्वविद्यालय फैकल्टी में नौकरी के लिए समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। हम यहाँ पर आपको कुछ बात बताते चले तो आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट्स रोस्टर के फैसले को बदलने से साफ इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा था। 13 पॉइंट्स रोस्टर का विरोध होते देखकर सरकार ने 200 पॉइंट्स रोस्टर लाने के संकेत पहले ही दे दिए थे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और NDA में सहयोगी LJP नेता रामविलास पासवान ने भी 13 पॉइंट्स रोस्टर फैसले को बदलकर अध्यादेश के जरिए 200 पॉइंट्स रोस्टर लाने की बात की थी। तो वही मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था कि हम 200 पॉइंट्स रोस्टर लागू करेंगे, लेकिन मैं प्रदर्शनकारियों से कहना चाहता हूं कि वो बस कैबिनेट की अंतिम बैठक का इंतजार करें। अब हम आपको बताते हैं कि 13 पॉइंट्स रोस्टर के बारे में कुछ और बातें। 13 पॉइंट्स रोस्टर प्रणाली के अनुसार विश्वविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए विभागों के आधार पर आरक्षण लिस्ट तैयार होगी और इसके तहत नियुक्तियां विभागवार होनी थी, जिसका कई संगठनों ने विरोध कर रहे थे। और विरोध की वजह ये थी कि विभागवार नियुक्ति के कारण आरक्षित वर्ग के लिए सीटों की संख्या पर असर पड़ता। यूनिवर्सिटी ने नौकरी के लिए बहुत कम सीटें निकाली हैं और ऐसे में विभागवार रोस्टर होने पर आरक्षित वर्ग के लिए सीटें कम हो जाती या मिलती ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी के बदले विभागवार नियुक्ति को मानने का फैसला किया था और केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और सुप्रीम कोर्ट ने इनमें बदलाव से इनकार करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला ही सही है और यही प्रभावी रहेगा। और इसी बात को लेकर देश भर के शिक्षक कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। जो भी हो, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में BJP रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहेगी और इसलिए BJP ने 200 पॉइंट्स रोस्टर लगाकर शिक्षकों को अपनी सिंपैथी देने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या शिक्षक BJP की वोट देते हैं या नहीं। इसकी फंडिंग में एक इम्पोर्टेंट निर्णय जो मंत्रिपरिषद के पास आया कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर ऑर्डिनेंस 2019 को आज अप्रूव किया गया है। पहले इसमें UGC की गाइडलाइंस होती थी, उन गाइडलाइंस के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनको एक यूनिट माना जाएगा और इसमें तीनों रिजर्व कैटेगरीज SC ST OBC इस निर्णय की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम हो गया, कुछ का तो नेग्लिजिबल हो गया और इस वजह से लेकर उस अंडर रिप्रेजेंटेशन को करेक्ट करने के लिए आज जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स अकाडर है एक्ट है, उसको उसके संबंध में एक कानून बनाया गया है और ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और उसका मूल सार ये है कि अ यूनिवर्सिटी विल बी टेकन एज वन यूनिट। द कैबिनेट अप्रूव द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड टीचर कार्डन ऑर्डिनेंस 2019।
this has been necessitated because earlier this field was governed by UGC circulars, and interpreting those UGC circulars, the Allahabad High Court had said, delivered a judgment which was upheld by the Supreme Court, that every department should be independently taken as a unit. And the roster which was formulated resulted in either underrepresentation or negligible representation of SC, ST and also OBCs. And therefore, there was a demand that the anomaly created by this should be undone. This matter was considered. The government had said that we will wait for the judgment of the Supreme Court and the review proceedings. The review was also rejected, and therefore the basis of that judgment has been altered and a new law has been brought in, wherein a university, there's a categorical declaration that a university will be taken as one unit. Border areas mein jo फ्लड मैनेजमेंट है उसका जो प्रोग्राम चल रहा था 2000 उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 19-20 तक, और इसके लिए टोटल आउटले ₹3,342 करोड़ की है। सिमिलरली जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है जो 2020 में समाप्त होना था उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है ऑन एन आउटले ऑफ ₹7,300 करोड़। 50 न्यू केंद्रीय विद्यालय, द गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल टुक अ डिसीजन, इवन द एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड विच द एचआरडी मिनिस्ट्री विल टुडे लेट यू नो। आज देश में 12,002 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 विदेशों में हैं, 50 और हैं, इनमें से बहुत अधिक संख्या में जो वहाँ है जहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उनके परिवारों के लिए यह सुविधा एजुकेशन की, और ये अधिकतर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज वाले हैं। इन एरियाज में इनमें से 15 होंगे जहाँ रेलवेज के इम्प्लॉयज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ होंगे, और सिमिलरली जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अधिक डिप्लॉयमेंट है वो एरियाज चुने गए हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ एजुकेशनल सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है। इसके अतिरिक्त 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर्स दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के, उनका आज मंत्रिपरिषद ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। ये 3 कॉरिडोर्स होंगे एरो सिटी से तुगलकाबाद तक, आरके आश्रम से जनकपुरी तक, और मुकंदपुर से मौजपुर तक। ये लगभग 66.932 किलोमीटर होगा, फेज 4 का मेट्रो है, और इसकी टोटल लागत जो होगी उसका एक शेयरिंग पैटर्न है, ये 24,948.65 करोड़। द कैबिनेट टुडे अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर फेज 4 ऑफ द दिल्ली मेट्रो विच विल कवर 3 न्यू लाइन्स फ्रॉम एरो सिटी टू तुगलकाबाद, फ्रॉम आरके आश्रम टू जनकपुरी, फ्रॉम मुकंदपुर टू मौजपुर विद इन द दिल्ली एरिया। दिस विल कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 66.932 विद एन आउटले ऑफ ₹24,948.65 करोड़। द अटल इनोवेशन मिशन on an estimated expenditure of ₹3,552.27 has been extended till 2025.
The power ministry will give you the details rather than my reading them right now. They'll put it on the net just now. They have sent a proposal to the cabinet, which was approved, on the measures to promote hydropower sector.